प्रचंडिका, हम आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल रहे हैं। विश्वास रखिए रानी परी, प्रचंडिका आपको निराश नहीं करेगी। प्रचंडिका, बुराई की राह को छोड़कर आप भी सच्चाई की राह को पकड़ा है, लेकिन याद रहे, बुराई आपको अपनी तरफ खींचने का प्रयास अवश्य करेगी, लेकिन आपको हिम्मत से डटे रहना है। रानी परी पर वार करने का साहस किसने किया? तुम्हारे साथियों के सिवा ये कार्य और कौन कर सकता है प्रचंडिका? हमने किया है। आप हमारे साथी नहीं, बुराई के साथी हो, और हम बुराई के हर साथी को समाप्त कर देंगे। होश में आइए प्रचंडिका, ये नहीं हम हैं आपके मित्र। नहीं, रानी परी पर वार करने वाला हमारा मित्र नहीं, हमारा दुश्मन ही हो सकता। हमारे वार के लिए सावधान रहना। शाबाश प्रचंडिका, शाबाश। रानी परी, आप ठीक हैं? हाँ प्रचंडिका, हम बिल्कुल ठीक हैं। और ये तौबा तौबा और शातिर परी नहीं, बल्कि बाल सखी और बाल मित्र है। लेकिन रानी परी, ये सब क्यों? आपकी परीक्षा लेने के लिए, और हमें बहुत खुशी है कि आपने इस परीक्षा को पार कर लिया है, और हमें ये विश्वास भी हो गया है कि आपके अंदर अब बुराई का कोई भी अंश नहीं। हाँ बालवीर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब प्रचंडिका हम सब परियों की तरह सच्चाई और अच्छाई की साथी बन गई है। बालवीर, प्रचंडिका, अब आपको और देर नहीं करनी चाहिए, और तुरंत तंत्र लोक में जाकर कलश तारे को यहाँ लाना चाहिए। जी रानी परी। खुश रहो रानी परी, खुश रहो, खुश रहो परियों, खुश रहो, खुश रहो प्रचंडिका, खुश रहो, खुश रहो बालवीर, खुश रहो। तौबा तौबा, तुम आ गए, पता नहीं प्रचंडिका कब आएगी कलश तारा लेकर। अरे आती नहीं तुम्हें इतनी भी समाज? है गई प्रचंडिका कलिश तारा लाने, कोई कुएं से पानी भरने नहीं, लगेगा ना थोड़ा तो समय। हाँ लेकिन बिना प्रचंडिका के मुझे बुराई करने नहीं मिल रही, और बिना बुराई के मुझे चैन नहीं मिल रहा। अब तबा तबा पकड़। शाबाश। कहा जा सकता है अब तुम्हें 30 मार खा। क्या मतलब? अरे खड़े खड़े मारे तुमने 30 मक्खियाँ, हो गई ना तुम 30 बार खा। ए? हाँ, वैसे भी लगता है कि प्रचंडिका के बिना अच्छाई को मारने की जगह मक्खियाँ ही मारनी पड़ेगी। ए तबड़ी, क्यों ना मैं तुम और शातिर पर मिलकर खेले कोई खेल। नहीं तौबा तौबा, मुझे तो सिर्फ बुराई का खेल खेलने में मजा आता है, और वो मैं क्या खेलूं तुम्हारे साथ। हाँ लेकिन क्यों ना हम प्रचंडिका के नए आविष्कारों का प्रयोग करें। रहेगा रहेगा ये सही, वैसे भी न जाने कब वापस आएगी वो प्रचंडिका। चलो हाँ चलते यंत्र कक्ष में। चलो चलो। सारे यंत्र करूं मैं सबसे पहले प्रयोग किसका? वो करता सबसे पहले प्रयोग इसका। बता था, एक काम तुमसे ठीक से नहीं होता ना, मैं तुम्हें
मैं अभी ठीक करती हूँ। रुको। तेरे? तौबा तौबा। चंडिका, बालवीर, हमें इस कुंड में जाना। कलिस्तारा का रास्ता इस कुंड से होकर जाता है। कौन हो तुम? इस दीवार से टकराने पर भी तुम्हें कुछ हुआ क्यों नहीं? फिर से आ गई यहाँ। इस बार लगता है कोई नई योजना के साथ आई हो, लेकिन अश्वराज के होते हुए कलिष्क तारा तक कोई नहीं पहुँच सकता। मैं बालवीर हूँ। रानी परी ने हमें परिलोक से कलिष्क तारे को लेने के लिए भेजा है, ताकि हम उसे परिलोक में सुरक्षित रख सके। और रहा सवाल प्रचंडिका का, तो अब वो अच्छी और सच्ची बन चुकी है, उसमें बुराई का कोई अंश नहीं है। अगर ऐसा है तो आगे बढ़ो। अगर तुम सच में अच्छे और सच्चे हो तो तुम्हारे आगे बढ़ते ही ये दरवाजा अपने आप खुल जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम दोनों का अंत निश्चित है। आइए प्रचंडिका। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। खुश रहो अश्वराज, खुश रहो। चंडिका, प्रचंडिका नहीं, तुम्हारा अंत का, मेरे अगले वार से समाप्त होने के लिए तैयार हो जाओ बालवीर। ये आप क्या कह रही? आप तो अच्छी और सच्ची परी बन चुकी है। वो सब तो एक नाटक था, कलिष्क तारा तक पहुंचने के। लेकिन आपने अभी तक तो कलिष्क तारे को प्राप्त नहीं किया है, तो आप मेरा अंत क्यों करना चाहती? क्योंकि तुम नहीं रहोगे तो मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए अब मुझे कलिष्क तारा नहीं, तुम्हारा अंत चाहिए बालवीर। अरे चंडिका तो पारे से गायब होती है, लेकिन ये धुआं कैसे बनी? हो ना, ये सब इस तंत्र कुंड का भ्रम जाल है, और ये सब मुझे भटकाने के लिए
और मेरी बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए हो रहा है। बालवीर? बालवीर नहीं, तुम्हारा अंत प्रचंडिका। मैं तुम्हारा अंत करने आया हूँ। आप हमारा अंत क्यों करना चाहते हैं? तुम्हें क्या लगा हम तुम्हारी बनाई हुई झूठी कहानी पर विश्वास कर लेंगे? कभी नहीं प्रचंडिका, हमें पता चल चुका था कि तुम पूरी तरह से अच्छी और सच्ची नहीं बनी, और तुम कलिश तारीख को प्राप्त करना चाहती, और वो प्राप्त करने के बाद तुम हमारा भी अंत कर दोगी। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम बदल गए हैं, हमारा भरोसा कीजिए बालवीर। बुराई कभी नहीं बदलती प्रचंडिका, अच्छाई और सच्चाई को बुराई का अंत करना ही पड़ता है, और इसीलिए आज तुम्हारा भी अंत होगा। बालवीर? बालवीर कहाँ गायब हो गया? मतलब वो बालवीर था ही नहीं। इसका मतलब है ये सब इस तंत्र कुंड का ब्रह्मजाल। हमें सावधान रहना होगा। चंडिका, बालवीर, तुम मुझे और धोखा नहीं दे पाओगी। मैं इस ब्रह्मजाल में नहीं फंसने वाला। ये ब्रह्मजाल तो तुमने बिछाया है हमें फंसाने के, लेकिन हम हर जाल से बचना जानते हैं। नहीं प्रचंडिका, इस बार तुम नहीं बचोगी। तुम्हारे इस मायावी रूप को मैं अभी धुएं में उड़ा दूंगा। धुएं में तो तुम गायब हो गए इस बार बालवीर, वो भी हमेशा के लिए। प्रचंडिका आग के गोले बरसा रही, लेकिन फिर भी हवा में जरा भी विस्फोट की गंध नहीं आ रही है। कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन क्या क्या हुआ बालवीर? हमारे वार से तुम्हारे हाथ जम गए क्या, या फिर हमें हवा में उड़ाने का इरादा छोड़ दिया है? कभी नहीं प्रचंडिका, आज मैं यहाँ कलिश तारे को लेने आया और उसे लेकर ही जाऊंगा। अरे हाँ, गंग का ना आना ऐसा तो सिर्फ पारे की शक्ति में होता है, क्योंकि पारे का ना कोई रंग होता है और ना ही उसमें कोई खुशबू होती है। मतलब मेरे सामने जो है वो असली प्रचंडिका है, और तंत्र जादू की वजह से मैं और प्रचंडिका ही आपस में लड़ रहे हैं। युद्ध में कमजोर लोग सोचते हैं बालवीर, योद्धा वार करते हैं। लेकिन मैं आप पर वार नहीं करूंगा, क्योंकि मैं समझ गया ये सब एक भ्रम जाल है जो हमें भ्रमित करने के लिए रचा गया है, ताकि हम दोनों एक दूसरे पर ही वार करके एक दूसरे को समाप्त कर दे। प्रचंडिका, मैं आप पर वार नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे समझ आ गया है कि आप असली प्रचंडिका है, और हमें भी आपस में युद्ध नहीं करना चाहिए। हम भी समझ गए तुम ये सब हमें भ्रमित करने के लिए सुना रहे हो। नहीं, हम तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे। प्रचंडिका ऐसे मुझ पर विश्वास नहीं करेगी। मुझे उसे कुछ ऐसा बताना होगा जो सिर्फ मुझे और प्रचंडिका को ही पता है। हाँ, मैं प्रचंडिका को हमारे युद्ध अभ्यास की बातें याद दिलाता हूँ, और उसके लिए मुझे प्रचंडिका की पीठ पर वार करना होगा। मेरी पीठ पर वार? मेरी इस कमजोरी के बारे में बालवीर ने ही अभ्यास के समय मुझे बताया था, पर मैं ऐसे ही इस पर भरोसा नहीं कर सकती। मुझे भी इसकी जांच करनी होगी। रुकिए प्रचंडिका, मुझे लगता है कि आपने मेरे पैरों पर वार करके मेरी कमजोरी पकड़ ली, जैसे युद्ध अभ्यास में पकड़ ली थी। हमें क्षमा करना बालवीर, हमने आपको पहचानने में देर कर दी।
देखिए प्रचंडिका, हम दोनों की असलियत सामने आती ही ये भ्रमजाल अपने आप टूट गया। तो देर किस बात की है? वो देखिए, आगे बढ़ने का नया रास्ता भी खुल गया। चलिए बाल, आगे बढ़ते हैं। कलश तारा की ओर। चलिए। बालवीर, वो देखो कलश तारा। अब हमें इसे पाने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं प्रचंडिका, अभी एक और पड़ाव पार करना बाकी है। वो देखिए, कलश तारे के चारों ओर पानी है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये कोई मामूली पानी नहीं है। इस पानी में जरूर ऐसा कुछ होगा जो हमें कलश तारे तक पहुंचने से रोकेगा। लेकिन क्या? देख, बालवीर, आपने बिल्कुल सही कहा था। अब हम कलश तारे तक कैसे पहुंचेंगे? हम नहीं, आप। मतलब? प्रचंडिका, आप पारे की बनी है और पानी पारे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। आपने देखा ना, जैसे ही वो पत्थर पानी में डूबा एक बड़ा धमाका हुआ, लेकिन आप पारे में बदलकर आसानी से पारे की सतह के ऊपर तैरकर कलश तारे तक पहुंच सकती है, जिससे ना ही आप पानी में डूबेगी और ना ही आपको कोई नुकसान पहुंचेगा। बहुत अच्छे प्रचंडिका, अब आप ध्यान से उस तारे को उठा लीजिए। बालवीर, देखो हमने कलश तारा पा ही लिया। हम हमारे मकसद में कामयाब हुए। ये लीजिए। नहीं प्रचंडिका, आप इस कलश तारे को अपने पास ही रखिए जब तक हम परिलोक नहीं पहुंच जाते। अब हमें वहीं जाना होगा जहां से हमने इसकी शुरुआत की थी, यानी तंत्र कुंड के पास, ताकि हम इस लोक से सुरक्षित निकलकर इस तारे को परिलोक ले जा सके। ठीक है बालवीर,